हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर सुनवाई जारी है। अदालत ने फाइनल सुनवाई के लिए सोमवार 10 फरवरी की तारीख नियत की है, यानी कि आज कोर्ट 69,000 शिक्षकों के भविष्य का फैसला करेगा। वहीं इस मामले में एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अहर्ता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अहर्ता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनजर अदालत ने मौखिक बहस को सीमित करने के लिए संबंधित पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिए थे, जिससे इस मामले का जल्द से जल्द फैसला हो सके। वहीं शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन आज कहा जा रहा है कि 69,000 जो शिक्षक हैं उनके भविष्य का फैसला आज हो जाएगा, सुनवाई आज उस पर पूरी हो जाएगी। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, आज भविष्य जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तय हो जाएगा इन 69,000 अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का, यहाँ पर क्या आज सुनवाई में अहम होने वाला है और अब तक सुनवाई में क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह से 69,000 भर्ती जो अधर में लटकी हुई है और वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी इसके लिए जो जिन्होंने परीक्षा दी थी वो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से सुनवाई हो रही है, पिछले 5, 6 और 7 फरवरी को लगातार सुनवाई हुई और जिसमें जो BTC अभ्यर्थी थे उन्होंने अपने पक्ष रखा, तो आज 10 फरवरी है और आज जो शिक्षाविद अभ्यर्थी है उनको अपना पक्ष रखना है और उसकी सुनवाई के बाद में अदालत यह निर्णय लेगी कि किसके पक्ष में निर्णय देना है। अब ये देखना अहम होगा कि जो शिक्षा मित्र हैं वो अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, क्योंकि आज जो शिक्षा मित्र हैं उनको अपना पक्ष रखना है, उनके जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मित्र अपना पक्ष रखेंगे उसी के अनुसार ही कोर्ट निर्णय लेगा। अब ये क्योंकि जो BTC अभ्यर्थी है वो अपना पक्ष रख चुके हैं और अब शिक्षा मित्रों की बारी है, तो शिक्षा मित्रों के आधार पर ही कोर्ट आगे डिसीजन लेगा। तो आज का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भर्ती काफी पिछले जनवरी में पेपर होने के बाद एक साल बीतने के बाद भी अभी कुछ परिणाम नहीं आया है, तो काफी प्रतीक्षित परीक्षा है और इसके रिजल्ट पर भी काफी लोगों की नजर है, क्योंकि 69,000 बड़ी संख्या में भर्ती है जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थी अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन चंद्रमणि यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, एक तरफ कहा जा रहा है कि अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फैसला हो जाएगा इनके भविष्य का, लेकिन एक तरफ ये भी है कि जो सुनवाई है उसकी जो फाइनल तारीख है वो यहाँ पर मुकर्रर की जाएगी, तो इसको लेकर आप चीजें साफ करिए कि आखिरकार आज किस लिए अहम ये है, क्या तारीख यहाँ पर दी जाएगी कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आगे जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये तारीख भी बढ़ सकती है क्योंकि ये फाइनल सुनवाई का दौर चल रहा है। शिक्षा मित्रों के 5-6 वकील हैं, तो वो अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, क्या उनको पूरा समय मिलता है, उनको अदालत की तरफ से पूरा समय दिया जाएगा कि जब तक वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे उनको रखने का मौका दिया जाएगा। तो तारीख आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जब 5, 6, 7 को BTC अभ्यर्थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा था, तो आज शिक्षा मित्रों को रखना है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आज ही निर्णय आ जाएगा, लेकिन ये अहम ये बात कही जा सकती है कि इसमें कुछ ना कुछ आज अहम होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो अहम कड़ी है इस पूरे घटनाक्रम की, तो इसमें शिक्षा मित्र अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, क्या वो तर्क देते हैं, क्योंकि आज के तर्कों पर ही ये निर्धारित, ये परीक्षा का जो न्यायालय का आदेश है वो निर्धारित होगा। तो आज का दिन अहम होने वाला है, पर ये कुल मिलाकर इस तरह से नहीं समझा जा सकता कि आज ही निर्णय आ जाएगा, क्योंकि निर्णय में अभी इंतजार जी बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद अहम दिन आज के लिए इन अभ्यर्थियों के लिए, इन शिक्षकों के लिए। लेकिन चंद्रमणि यहाँ पर ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे,
पक्ष जिस तरह से अभी तक सुनवाई हुई है, पक्ष आखिरकार किसका मजबूत लग रहा है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी, उनकी भी विशेष अपील जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी, इन शिक्षकों की भी रखी जाएगी, तो ऐसे में मजबूत पक्ष किसका लगता है? प्रदर्शन भी कई बार कर चुके हैं शिक्षक ऐसे में, तो क्या कुछ लगता है कि दलीलें यहाँ पर किसकी मजबूत होने वाली है इस दौरान? जी, अगर हम ध्यान दे देखिए, जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी, उनके पास भी मुद्दे हैं, क्योंकि उनका कहना है, शिक्षा मित्रों का साफ तौर से कहना है कि हमने इतने साल मेहनत की, हमने 20 साल शिक्षा मित्र के तौर पे काम किया, इसको लेकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसका भी आदेश आ चुका है कि हमें वेटेज दिया जाए। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का जो नियमितीकरण था वो रद्द किया था, तो राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 2 साल के अंदर इनकी नियुक्तियां की जाए और जिसको लेकर सरकार भर्ती निकाले, जिसको लेकर 68,500 और 69,000 भर्ती निकाली गई। अब 69,000 भर्ती निकालने के बाद में जो कट ऑफ निर्धारित किया गया वो 60-65 निर्धारित किया गया, जिसमें शिक्षा मित्रों का कहना है कि इसको कट ऑफ कम किया जाए जिससे शिक्षा मित्र को मौका मिल सके। वही जो बीटीसी अभ्यर्थी है उनका कहना है कि जहाँ गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की जाती वहां पर कट ऑफ क्यों किया जाए। वही राज्य सरकार का कहना है कि कट ऑफ राज्य सरकार का अधिकार है और वो निर्धारित कर सकती है, क्योंकि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षक भर्ती मामले में या तो आपको कटाव निर्धारित करना होगा या माइनस मार्किंग रखनी होगी। तो ये काफी अहम है, और जिस हिसाब से 68,500 पे न्यायालय का निर्णय आया था कि सरकार का अधिकार है कि कटाव निर्धारित करे, तो वो पक्ष सरकार की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। पर अभी शिक्षा मित्रों की दलीलें बाकी है और शिक्षा मित्र किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे ये अहम होगा जी। लेकिन अब तक की अगर सुनवाई को ध्यान में रखें तो किस तरह से लगता है कि आशंका आज क्या कुछ यहाँ पर रहने वाली है? जी, आज जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे, क्योंकि उनके भविष्य का मामला है, तो वही बीटीसी अभ्यर्थी भी अपने भविष्य को लेकर सजग हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के पास भी उनका कहना है कि उनका ये आखिरी मौका है 69,000 भर्ती में, तो शिक्षा मित्र अपना पक्ष किस तरह से पेश करते हैं और वो साथ में सिंपैथी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो 20 साल से काम कर रहे हैं, तो एक तरह से सिंपैथी, पर न्यायालय क्या उनके साथ सिंपैथी रखता है क्या वो, और साथ में मजबूत तर्क भी, अब न्यायालय तो मजबूत तर्कों पर ही निर्णय लेगा, तो क्या वो मजबूत तर्क प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या जो सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई थी कि जिसमें 2 साल के अंदर इनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया, तो इसमें तमाम तरह की जो गतिविधियां होगी, जो कानूनी दाव पेज है उसमें जो खरा उतरेगा उसके पक्ष में। लेकिन चंद्रमणि, क्या अभी जब से ये पिछले साल का क्योंकि मामला है, जब से ये सुनवाई इस पर चल रही है मामले पर, और ये शिक्षा मित्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस दौरान सरकार की तरफ से ऐसे कभी संकेत मिले हैं कि शायद एक बार फिर से फैसले पर विचार किया जाना था? 65 और 60% का जो अंतर यहाँ पर तय किया गया है उसको लेकर क्या कभी जो पशुपेश की स्थिति है वो सरकार के भीतर नजर आई है? जी नहीं, देखिए जो सरकार के पास था, सरकार के अब पहले से गेंद निकल चुकी है, क्योंकि सरकार का काम था शासनादेश जारी करना, शासनादेश जारी कराने के बाद में भर्ती कराना, लेकिन अब जब सरकार ने शासनादेश जारी करा दिया है उसको कोर्ट में चैलेंज दिया गया है, तो सरकार अब अपने शासनादेश पे पीछे भी नहीं हट सकती, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शासनादेश जारी किया था, अगर वो पीछे हटते हैं तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया में तमाम संशोधन करने पड़ेंगे। अब ये कोर्ट के निर्णय पर आधारित ही हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार उस पर ना आगे बढ़ सकती है ना पीछे बढ़ सकती है जब तक कोर्ट उस पर कुछ निर्णय नहीं देता है। अब सारी सब कुछ कोर्ट के अधीन है और कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आगे की भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। क्या 60% का काम रखा जाएगा या 40-45 किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा, तो अब सब कुछ जो है वो न्यायालय के निर्णय पर है, और न्यायालय जिस तरह से निर्णय देगा उसी के आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तो आज शिक्षा मित्र जो जिस तरह से पक्ष रखेंगे वो काफी अहम होगा, क्योंकि उनके पक्ष रखने के बाद ही में आगे भर्ती प्रक्रिया का निर्धारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।